हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और दोस्तों, आज ऋषिकेश का टूर करते हैं जो कि देहरादून से 43 किलोमीटर्स है और लगभग एक घंटे का समय लगता है। तो ये देखिए, हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं टैक्सी से, और टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करके, और ये देखिए, ये गंगा का नज़ारा देख रहे हैं। और यहीं हमें घाट पर जाना है, और फेरी से हम उधर मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम और गीता प्रेस देखने जाएंगे प्रोग्राम। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये देखिए दोस्तों, ये हम वहाँ टैक्सी से उतरकर और ये अब घाट पर जाने के लिए वहाँ से चल पड़े हैं, जो कि मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के लिए हमें गंगा के पार जाना है। तो यहाँ से हम घाट पर सिर्फ फेरी लेंगे और तब जाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों, ये मार्केट बीच में पड़ी थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप इसका आनंद लीजिए। और देखिए, ये अब हम घाट पर पहुँच चुके हैं। दिन का समय था तो घाट खाली ही था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं कि वेंडर्स खड़े थे, और यहाँ दो चार स्टीमर बोट्स और नाव खड़ी थी, तो हमें इन्हीं फेरी से उधर जाना था। ये दूर आप पुल देख सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और लक्ष्मण झूला और मुनि की रेती, ये सभी के दर्शन करने और देखने ज़रूर चलेंगे हम लोग आगे, और साथ ही में चोटी वाला के यहाँ भी चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये हमने शत्रुघ्न मंदिर घाट से फेरी पकड़ी थी। ऋषिकेश में बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो आपको अगर गंगा के उस पार जाना है तो आप किसी भी घाट से ये नाव या बोट ले सकते हैं और उधर जा सकते हैं। लेकिन अब इसी बोट में हमको बैठना है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, और शत्रुघ्न मंदिर आपको दिख ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बोट में बैठते हैं। और ये राफ्टिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग का बहुत ही अच्छा और बढ़िया व्यवस्था है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करने के लिए बहुत आते हैं। और अब हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, और बोट बस चलने ही वाली है। तो बीच बीच में आपको खूबसूरत गंगा के दर्शन करने को मिलेंगे, और साथ ही हम उस पार भी पहुंच जाएंगे।
बस अब दोस्तों हम गंगा के उस पार पहुंच चुके हैं और ये इधर से आप नज़ारा देख सकते हैं खूबसूरत। गंगा के किनारे पहुंचकर बहुत ही पीसफुल लगता है और अच्छा लगता है, ये ही गंगा की खासियत है। और ये देखिए अब हम इधर पहुंचकर वहां की गली में जा रहे हैं और बस आगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल और ये स्वर्गाश्रम आ गया है। तो ये बस अब हम पहुंच गए हैं। स्वर्गाश्रम में दोस्तों रुकने की व्यवस्था भी रहती है और किराए पर कमरे भी मिलते हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं गूगल पर ढूंढकर। और बाकी हम लोगों ने वहाँ पूछा था तो उन्होंने लगभग 800 रुपये कुछ किराया बताया था, तो लेकिन आप फिर भी उसे चेक कर सकते हैं। और आगे अभी मैं आपको वीडियो में कमरा दिखाऊंगी कि कैसे आप कमरे की वहाँ पर व्यवस्था है और वहाँ की चिन्ह वगैरह की व्यवस्था है। उससे पहले ये आप देख लीजिए चारों तरफ कैसी जगह है और आप यहाँ महीना दो महीना रुक सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती है। और ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, यहाँ सभी दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के, और साथ ही रुकते हैं तो रोज़ आरती प्रसाद खाना जो भी है उसमें भाग ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको लक्ष्मी नारायण टेम्पल के दर्शन करा दिए हैं। ये देखिए लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करिए और अभी बस इनका कमरा देखने भी चलेंगे। तो बस अब दोस्तों कमरा देखने चलते हैं जो कि यहाँ पे रेंट पर मिलता है और जहाँ पर कि महीना दो महीना रुका जा सकता है। आप अपनी किचन बनाने के लिए, खुद बनाने के लिए भी व्यवस्था रहती है कि अपना सामान बनाने का ले आइए तो बना सकते हैं। और ये देखिए बेड है और एसी रूम है इनका, शायद 800 रुपये रोज के हिसाब से इसका किराया है। और अब हम आगे बढ़ चले हैं तो ये आप देख सकते हैं ये मार्केट प्लेस है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। गंगा के किनारे जितनी जगह है उस जगह सब मार्केट प्लेस बन गई है। तो ये आप ऋषिकेश का आनंद उठा सकते हैं कि कैसा लगता है ऋषिकेश। और ये जगह अपनी 84 कुटिया के लिए बहुत ही फेमस है। बीटल्स की टीम आकर यहाँ शायद कुछ समय तक रुकी थी, तो लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों वो 84 कुटिया जो जगह है वो हमने कवर नहीं की है। अब तो बस हम गीता भवन आ गए हैं और ये गीता प्रेस वस्त्र विभाग है जो बड़ी इनकी दुकान है जो कि ये भी यहाँ पर फेमस है। तो अब आपको गीता भवन में अंदर ले चलते हैं, ये भी अच्छी जगह है, यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। तो वो हमें नहीं मालूम है उसका कितना रेंट है, बट ये भी आप जगह देख सकते हैं। और इसके बाद बस हम लोग देखने के बाद आगे खाने के लिए चलेंगे। तो देखिए आप ये जो फेमस ऋषिकेश का चोटी वाला रेस्टोरेंट है, एक तरह से ऋषिकेश की पहचान बन गया है कि ऋषिकेश चोटी वाला के नाम से जाना जाता है। जो भी कोई ऋषिकेश आता है वो चोटी वाला का खाना ना खाए तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो बात आज से 25 ईयर्स पहले चोटी वाला के खाना में होती थी वो अब उतनी नहीं है। ये आप चोटी वाला को देख सकते हैं, यहाँ दो तरह के चोटी वाला हैं लेकिन इसी को सब ने बताया कि ओरिजिनल है, तो हम इसी के अंदर चल दिए। और ये आप चोटी वाला के भी को भी देख सकते हैं और ये रेस्टोरेंट है इनका अंदर। तो आप खाना उतनी क्वालिटी का तो नहीं रहा है लेकिन क्योंकि ऋषिकेश उसी चीज़ के लिए फेमस है तो इसलिए हम वहाँ ज़रूर गए और ये वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आप इस रेस्टोरेंट को अगर ऋषिकेश जाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं।
और दोस्तों अब हम झूला पुल, जो लक्ष्मण झूला पुल कहलाता है, उस पर पहुंच गए हैं और इससे उस पार चलते हैं जिधर से हम फेरी से बैठकर इधर आए थे। तो अब हम इस पुल के पर पैदल चलकर उधर फिर वापस पहुंच जाएंगे, शत्रुघ्न मंदिर जहां हमें पड़ा था पहले घाट, तो उससे थोड़ी और आगे जो पुल दिख रहा था उसी से अब हम वापस लौट रहे हैं। तो ये आप बीच बीच में देख सकते हैं गंगा का नज़ारा और साथ ही रिवर राफ्टिंग के भी बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग व्यूज़ हैं वो और ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। तो रिवर राफ्टिंग का मन बहुत था लेकिन इस ट्रिप में हम कवर नहीं कर पाए, तो फिर कभी दोस्त आगे गए तो डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दूर से आप देख सकते हैं कि बहुत लोग नीचे गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और ये पुल काफ़ी लंबा था और हल्का हल्का हिल रहा था, इसीलिए इसको झूला पुल कहते हैं शायद। ये देखिए दोस्तों, कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं नीचे गंगा रिवर में। तो राफ्टिंग एक एडवेंचरस एक्टिविटी है और इसे करने में बहुत मज़ा आता है, तो लेकिन फिर कभी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमें किसी ने बताया था कि एक ऋषिकेश के पास जगह वीरभद्र है, वहाँ पर भी एक अच्छा घाट बना हुआ है, तो वो भी हम देखने गए थे, तो वो भी आपके साथ कवर किया है। गंगेश्वर टेंपल का जो घाट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो वीरभद्र में स्थित है, जो पशुलोक कॉलोनी है वहाँ, तो वहाँ एक ब्यूटीफुल सा टेंपल बना है और साथ ही गंगा का जो घाट है वो भी बहुत ही शांति से और साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो वहाँ पहुँच कर एक अद्भुत सी शांति मिलती है और ये आप सभी मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर गंगा का जो घाट है, यहाँ पर गंगा का बहुत चौड़ा उसका पार्ट है और वो है, और ये देखिए शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे और एक अद्भुत शांति की महसूस हो रही थी, और इसी की खोज में लोग ऋषिकेश आते हैं, तो गंगा का किनारा हो और ये शांति हो तो कहना ही क्या है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और शाम हो चुकी थी। तो दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखते रहिए और गंगा के दर्शन करिए, और अपना भी प्रोग्राम ज़रूर बनाइए उत्तराखंड और ऋषिकेश, हरिद्वार और सहस्त्रधारा, जो कि मैंने पिछले दो वीडियो में कवर किया है, तो उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देहरादून वापस आ गए, तो वहाँ किसी ने हमें बताया था क्लेमेंट टाउन पर कोई ब्यूटीफुल सी झील है, लेकिन रात हो चुकी थी जब तक हम ऋषिकेश से देहरादून पहुँचे, तो वो हमने बाहर से ही ऐसे हल्की सी दोस्तों आपको कवर करके दिखाई है। वो शायद थोड़ा और पहले पहुँचते तो वो ओपन होती और हम लोग और अच्छी तरह से देख सकते थे, उनके व्यूज़ ले सकते थे, लेकिन मैं बाहर से ही आपको दिखा देती हूँ ये कैसी लगती है। ये देहरादून में क्लेमेंट टाउन में स्थित है, तो बस हमने ये देखा और इसके बाद अब लौटने का ही प्रोग्राम है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे इसके साथ आपको देहरादून स्टेशन का भी आपको दृश्य दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब हम देहरादून स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये देखने में ऐसा लगता है। तो हमें तो यहीं से ट्रेन पकड़नी थी, तो इसलिए हम अगले दिन देहरादून स्टेशन पहुंच गए और ये शताब्दी है, तो शताब्दी से हमने प्रोग्राम बनाया था। ये आप देहरादून का छोटा सा स्टेशन देख सकते हैं, तो देहरादून उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जिसके आसपास मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बहुत सारी घूमने लायक जगह हैं। और
उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल है, तो अगर आप घूमने इधर आते हैं तो ये सब जगह देख सकते हैं और इन सब जगहों का मज़ा उठा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप कभी पहले देहरादून गए हैं, तो आपने कौन कौन सी जगह देखी। वैसे तो देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री इन सब जगहों के लिए भी बहुत फेमस है, लेकिन वो तो अलग ही यात्रा है। लेकिन अगर आप देहरादून और उसके आसपास कुछ जगह घूमना चाहते हैं तो देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश, हरिद्वार ये सब जगह देख सकते हैं और सब जगह का मज़ा ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये स्टेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।